पहले सीजन की डॉक्टर थी, सेकंड सीजन की इंजीनियर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर ही हम सिलेक्ट करेंगे। प्रोफेशन कहीं पे हम मेंशन भी नहीं करते, तो जजेस को ये पता नहीं होता कि इनकी डिग्री क्या है, सो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन एट ऑल। जो एक्स फैक्टर होता है स्टेज पे एंड बिफोर ऑल्सो, क्योंकि इनका मार्किंग या ग्रेडिंग होता है वो पहले से ही शुरू होता है, तो इनमें जो दिखाते हैं कि उन्हें वो एक्स फैक्टर है वही विनर होती है। जहाँ तक सीज़न वन और सीज़न टू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा, द कंटेस्टेंट हु पार्टिसिपेटेड वर रियली गुड, ऑल ऑफ देम वर फैंटास्टिक, ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी गुड वर्क। जैसे सीज़न वन की एक महिला है नीलम राणे, तो उन्होंने एक फाउंडेशन खोला है फॉर स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स, तो वो बहुत काम कर रही है उसके लिए। रक्षा है, नाउ शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द नेचुरोपैथी सेंटर्स इन गुजरात, तो ये अभी इनको किताब मिला है, अभी उन्होंने ये डायरेक्टरशिप के लिए हाँ कहा क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस आया। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे अब जो ये तीन विनर्स है, ये भी जो सीज़न वन वालों ने करके दिखाया है उसे आगे बढ़ के आगे लेके जाए। खड़ी थी और मेरे साथ दो और कंटेस्टेंट्स थे, तो जैसे ही मेरा नाम लिया मैंने उनको हग कर लिया। मैंने पहले सबको ऑल द बेस्ट विश किया कि चाहे कोई भी विनर क्यों ना हो, हम सब क्वींस हैं, हमने बहुत मेहनत की है। बट हाँ, अनएक्सपेक्टेड था बट मतलब उस पॉइंट पे बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो आई स्टार्ट क्राइंग आई गेस, खुशी के आंसू थे। एंड फिर मैंने मैम का आशीर्वाद लिया स्टेज पे, एंड वो था। और सेकंड क्वेश्चन प्रिपरेशन के लिए, हमारा 1 month का बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हुआ था। ये ट्रेनिंग सिर्फ ग्रूमिंग सेशंस नहीं थे, ये एज ए वुमेन आप फाइनेंशियली कॉन्फिडेंशियली मतलब कॉन्फिडेंट होकर कैसे नो इंटरनल ग्रूमिंग ज़्यादा हुई थी, जिसके कारण हम सब आज इतने कॉन्फिडेंट हैं और यू नो फेस कर पाते हैं हर चीज़ को। मेरा इंटरेस्ट था, बट आई थिंक मेरा फर्स्ट सेशन विद अदिति मैम वॉज वेरी पाइवोटल, एंड फ्रॉम देयर आई टुक इट ऑन। एंड बस फिर एक सेशन के बाद हर एक सेशन के बाद मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। फिर मैंने बहुत मेहनत की, आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, तो बस उसके बाद ऐसे ही फिर करते करते एंजॉय करते करते इट्स ऑल अबाउट ऑथेंटिसिटी, सो या आई वॉज ऑथेंटिक थ्रू आउट माई जर्नी। ऑल्सो एंकर जब आपको सवाल पूछ रही थी, आपने कहा कि मैंने मैनिफेस्ट भी किया था, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या मैनिफेस्ट किया था आपने? मैंने बस एक डायरी में अपने लिख दिया था कि मैं पैजेंट में विनर बनूंगी, और यू नो कि क्योंकि मैं बचपन से ऐसे कोम या माइक पकड़ के मिरर के सामने ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मैं किसी चीज़ की विनर हूँ और मैं बात कर रही हूँ लोगों के सामने, और जब वो सही में हो रहा था जैसे आज हो रहा है, तो मेरे को ऐसा डेजा व्यू टाइप का फीलिंग होता है, लाइक पता नहीं, आई जस्ट फील्स वेरी आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग हाउ इट फील्स, बट या इट्स जस्ट मैजिकल। आई वुड से मैनिफेस्टेशंस वर्क, बट खाली लिखने से मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर इट, जो मैंने किया। तो या मैम, ऑल्सो सीजन 3 स्टार्ट होने वाला है, तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो विनर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? दो विनर को हम देख चुके हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, उसके अलावा क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक जो विनर जो बनती है या फिर जो भी अप्लाई करती है इस कॉन्टेस्ट में? तो इसमें ऐसा है कि 50% मार्क्स पहले होते हैं और 50% मार्क्स फिनाले के टाइम पे दिए जाते हैं जो जजेस देते हैं। उसमें हम बिल्कुल उनके पास में भी नहीं जाते, वी कम्प्लीटली रिलाई ऑन देम कि उनको कैसे लग रहा है, जैसे महिला चल रही है या उसका प्रेजेंटेशन है, Q&A होता है, वो कैसे आंसर कर पा रही है, वो सब कैलकुलेट किया जाता है। जो पहले होता है वो हम उनका एटीट्यूड देखते हैं कि इनमें कितना ट्रांसफॉर्म करने की चाह है। जो महिला ऐसे दिखाती है वो है, उसमें दम है। सेकेंडली, इंस्पिरेशनल होनी चाहिए वो दूसरे लोगों के लिए, और वो गिविंग बैक जो एटीट्यूड होता है कि आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, मैं और किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। थर्ड इज़ द एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स द टीम मेंबर्स, टुवर्ड्स पीपल जनरली हु आर नॉट कनेक्टेड टू द टीम बट अदरवाइज, सो लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन गोज इन टू दैट, और ये सब मार्क्स को समेट के फिर विनर चूज किया जाता है। मैम,
ऑल्सो एज अ डायरेक्टर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, लेकिन एक जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो फेयरली वो सब कुछ, अगर उस बारे में कुछ बताए कि कैसे आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। द रीज़न, वन ऑफ द बिग रीजन्स आई स्टार्टेड मार्वलस मिसेज इंडिया, देखो ऐसा है कि मैंने मिसेज वर्ल्ड 2001 में जीता था, जब प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता ये सब ने जीता था। उसके बाद में इतने टाइम के बाद मैंने क्यू पैजेंट शुरू किया, तो इसका एक कारण ये है क्योंकि मैं हर महीने एटलीस्ट 2-3 ब्यूटी पैजेंट्स को जज करती आई हूँ। तो शुरुआत में ठीक था, लेकिन लेटली मैंने ये देखा है कि क्राउन्स ऑफ अ सेल, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है एक एक चीज़ मुझे अभी तक याद है, एंड माई क्राउन्स वर नॉट फॉर सेल व्हेन आई वन। और ऐसे ही मैं यही चाह रही थी कि जो महिला पार्टिसिपेट करना चाहती है वो उनका जो हुनर है उस पर वो जीते, ना कि पैसा दे के जीते, क्योंकि वो तो फिर ठीक है, मतलब देन यू नो यू गो टू अ ज्वेलरी स्टोर या जहाँ क्राउन बिकते वहाँ से ले लो आप। तो मेरा यही मानना है कि जो ऑथेंटिसिटी है, ट्रांसपेरेंसी है इस प्रोसेस में, तो ये मैं मेंटेन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम जो विनर होंगे उनके लिए क्या क्या आगे क्या इंटरनेशनल करने वाले जी तो हर जो विनर है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू रिप्रेजेंट हरसेल्फ ऑन एन इंटरनेशनल पैजेंट लेवल। यही नहीं, लेकिन बाकी की जो महिलाएं हैं जो इच्छुक है वो हमें अप्रोच करती है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सम पीपल डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल पैजेंट्स, सम वीमेन वॉन्ट टू। तो हम यही देखते हैं कि कौन जाना चाह रही है, विनर्स तो है ही, बट अदर देन दैट देर आर अपॉर्चुनिटीज गिवन टू अदर ब्यूटी पैजेंट कंटेस्टेंट्स ऑल्सो, कि अगर तुम जाना चाहती हो तो यू इंडिकेट दैट टू अस एंड वी विल सी व्हाट वी कैन। मैंने ये सीखा कि वो जैसी हैं वो चाहे कहीं भी क्यों ना हो वो वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, और कहीं भी मैं खुद को मतलब जैसी हूँ मैं वैसे ही दिखाना चाहूँगी और अपने बारे में सच बताना चाहूँगी। यू नो ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करता है, आप किसी की तरह बन नहीं सकते बट उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर ले सकते हैं। तो मैम मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे स्टार्टिंग में, मैं शायद पहले थोड़ा हिचकिचा रही थी कि शायद करूँ नहीं करूँ, बट एक ही कॉन्वर्सेशन के बाद मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया और मैंने बोला अब मैं बस जैसी हूँ वैसे ही पूरा करूँगी, और मैंने वैसे ही बस अपने आप को शो किया। फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात होती है मिसेस के लिए वो बाहर आके लोगों को, ये तो क्राउन पहनना बहुत बड़ी बात है लेकिन घर से बाहर निकलना, कैसे फैमिली को कन्विंस किया उसके बारे में अगर आप शेयर करें। मेरे पेरेंट्स पहले से ही बहुत सपोर्टिव रहे थे, और जैसे ही मेरा पहला सिलेक्शन हुआ सेमीफाइनल्स के लिए मैंने मतलब मेरे एक्सटेंडेड फैमिली को भी बताया, और मेरे हस्बैंड आई थिंक हीज़ बीन अ बिग सपोर्ट, मतलब क्योंकि मैं यूएस में रहती हूँ वहाँ पे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो वो हैंडल करना, फिर साथ में हम खाना बनाना, घर का काम करना, और साथ में अच्छे से मेंटर प्रोग्राम्स को यू नो पार्टिसिपेट करना, उसमें एक पार्टनर का बहुत बड़ा रोल था। तो और मेरी मदर थी सबसे पहले जिन्हें बोला यू शुड जस्ट गो हेड एंड डू इट, तो उनको मेरे में बहुत बिलीफ है, और तो बस बहुत ज़्यादा सपोर्ट था इतना ही बोलूँगी। तो ऐसे ना कई बार, सॉरी एक मिनट, कई पार्टिसिपेंट्स हमने ऑडिशन में सिलेक्ट किए हैं थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं था, ये उनका छोटा सा जो ड्रीम है वो नहीं फुलफ़िल हो पाया। तो मेरी यही दरख्वास्त है सब उन फैमिली मेंबर्स को कि अगर आप में आपकी बेटी, आपकी बहू या आपकी बीवी या बहन पार्टिसिपेट करना चाहे, तो ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कोई कंट्रोवर्सी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे, या स्विम सूट राउंड होता है हम वो नहीं रखते हैं, तो ये एक फैमिली के लिए ही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस होती है उसमें बच्चे होते हैं, उसमें माँ होती है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ होते हैं, सो वी डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट जोन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे जो प्लेटफॉर्म के लिए वो सूट नहीं करते। जी मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ जी, आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी जी, तो आप सामाजिक तौर पर कुछ कहना चाहेंगे जिससे महिलाएं और आगे आ सकती हैं?
अगर आपका ड्रीम है कुछ करने का, कुछ बनने का, तो सेल्फ बिलीफ इज़ द फर्स्ट थिंग. लेकिन मैंने जैसे कहा कि फैमिली का सपोर्ट होना भी उतना ही ज़रूरी है. सो कम्युनिकेशन के वाया ये हो सकता है. प्रेस का अगर, आप सबका अगर साथ रहे तो ये हो सकता है. सो ये एक सामाजिक तरीके से ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे अगर एक महिला सशक्त होना चाह रही है तो उसको सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक महिला कुछ नहीं कर पाएगी. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समाज को भी अपने जो नजरिया है अच्छा रखना पड़ेगा. हाँ जरूर. यस 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 यू कैन आस्क श्रद्धा. सो माय नेम इज़ श्रद्धा त्रिपाठी और मैं कॉरपोरेट में काम करती हूँ. आई एम एन एचआर प्रोफेशनल. मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ. मैं ट्रेनर हूँ और मैंने बहुत बहुत सारे प्रोलिफिक लीडर्स को ट्रेन किया है एक मंच पे. तो ये मंच वाज फमिलियर, स्टेज वाज फमिलियर फॉर मी, पर एक अलग दृष्टि से स्टेज पे चलना, अपने आप को संवारना और सर्टन रूल्स फॉलो करना या प्रोसेस फॉलो करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू सो मच मार्वेलस मिसेस इंडिया एंड द टीम टू सपोर्ट. इट वाज एन इनक्रेडिबल जर्नी एंड आई एम अ सिंगल पेरेंट और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर विमेन इन जनरल टू नो दैट आफ्टर मैरिज थिंग्स नीड टू इम्प्रूव. हमारी लाइफ और आगे बढ़नी चाहिए, नॉट यू नो सो आफ्टर मैरिज ऐसा लगता है लोगों को कि कभी कभी यू नो सब खत्म हो गया. उस हिसाब से नहीं. आई थिंक मैरिज शुड बी और एनी थिंग आफ्टर मैरिज और अदरवाइज ऑल्सो अ वुमन हैज़ द पावर टू डू एवरी थिंग. अगर उस पर क्षमता है, एक नई सोच है और एक विल पावर होनी चाहिए बस. सो आई थिंक दैट्स वॉट आई थाट कि मुझे यहाँ आना है. रजिस्ट्रेशन मैंने बहुत सोच समझ के किया. मैंने बहुत बाद में अपने पेरेंट्स को बताया. मेरी बेटी है 13 साल की, उसकी बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट उसने मुझे किया है पूरे जर्नी में. एंड आई थिंक इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू डू दैट एट दिस जंक्चर ऑफ माय लाइफ, बिकॉज एक नई सोच और एक नई जिंदगी मुझे आगे चलनी है. वेयर आई एम गोइंग टू बी अ रिलेशनशिप कोच सून. और मैं उन्हीं सारी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी, हमारे जो भी मैं प्रॉबली जो सेशंस करूँगी, कि इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम्स, बट यू शुड जस्ट हैव द विल एंड फाइंड द बेल. आई थिंक लेट हर स्पीक. सॉरी लेट हर स्पीक. ये हमारी सीजन वन की है. मेरा नाम डॉक्टर गरिमा चौहान है. मैं पेशे से एक एनेस्थेशियोलॉजिस्ट हूँ और ब्यूटी पैजेंट मेरे एकदम ही जोन और स्कोप के बाहर है. मैंने कभी लाइफ में हील्स नहीं पहना था. मैं हमेशा चप्पल, स्पोर्ट्स शूज बस यही पहनती हूँ. बट बचपन में जब मैं जूनियर केजी में थी तो मेरी मम्मी, वो आज भी आई है यहाँ मेरा फोटो ले रही है, उन्होंने मुझे मिस इंडिया फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में मिस इंडिया की तरह ड्रेसअप किया था. और बस वहीं से मेरा सपना हो गया था कि बड़े होके मुझे मिस इंडिया में पार्ट लेना है. लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मुझे डॉक्टर भी बनना था, तो मैंने मेडिकल प्रोफेशन को चूज़ कर लिया. लेकिन लास्ट ईयर मेरा बहुत बुरी तरीके से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उत्तराखंड में एक्सीडेंट हो चुका था और मुझे बहुत सारी इंजरीज हुई, मल्टीपल सर्जरीज हुए एब्डोमिन के, हैंड के. और वो टाइम था मेरे लाइफ का जब घर वालों को, डॉक्टर्स को, सबको लगा कि ये अब नहीं बचेगी. तो उस टाइम मैंने अपने आप को सोचा कि अगर आज मेरी डेथ भी हो जाए तो क्या मैंने एक अच्छी लाइफ जी है. और मेरा आंसर येस था. मतलब मैंने सब कुछ अचीव किया, अपने पेरेंट्स को प्राउड बनाया, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर एक मिडिल क्लास फैमिली से होके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करके. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लिया. मुझे एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करना था जो आगे जाके इंटरनेशनली भी मैं खुद को रिप्रेजेंट कर पाऊँ. तो मुझे तभी मैंने प्रॉमिस किया कि भगवान ने अगर मुझे एक और चांस जीने का दिया तो मैं पूरी मेहनत करूँगी और जो भी मेरे सपने हैं उनको पूरा करूँगी. और मैंने किया, बहुत मेहनत किया मैंने, बहुत हार्ड वर्क किया, क्योंकि डॉक्टर हूँ, हार्ड वर्क करना तो मेरे ब्लड में है.
और आज मैं इस स्टेज पे आई और अगेन मेरी मम्मी मुझे देख रही है और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है. सो थैंक यू. रक्षा ने जो बताया, इन्होंने जैसे बोला मैरिज के बाद लाइफ खत्म नहीं होती, मेरी मैरिज के बाद लाइफ शुरू हुई थी. आई गॉट मैरिड एट 21. तो उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, न्यूट्रिशन पढ़ा, नेचुरोपैथी पढ़ा और नेचुरोपैथी सेंटर खोला और अब उसकी डायरेक्टर हूँ. सो माई लाइफ जर्नी हैज स्टार्टेड एंड आई एम स्टार्टिंग डूइंग माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी, न्यूट्रिशनल साइकियाट्री से. हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज से न्यूट्रिशनल साइकियाट्री का कोर्स भी ख़त्म किया. अभी डॉक्टरेट का ऑनररी डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट अवार्ड मिला है मुझे. सो आई थिंक लाइफ हैज़ जस्ट गॉन अप हिल एंड मैरिज के बाद डेफिनेटली लाइफ ख़त्म नहीं होती है. एंड आई थिंक माई जर्नी ऑफ द पेजेंट ऑल्सो बिगैन लाइक हाउ डॉक्टर करिमा सेड कि जब पैंडेमिक हुआ तब हम लकीली हमारे बीच रिसोर्ट में थे, बहुत शांति में जी रहे थे, कोई स्ट्रेस नहीं था. बट आई थिंक वन क्वेश्चन हिट मी कि क्या मैंने अपनी लाइफ जी है, खुद के लिए जी है. देन आई रियलाइज नहीं, मैंने ये सब पढ़ाई वगैरह जो भी हासिल किया अब तक वो बिकॉज ऑफ समबडी एल्स इन माई लाइफ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट. पर मुझे लगा कि देयर वाज समथिंग मिसिंग व्हिच आई हैवंट डन फॉर माई सेल्फ. एंड ये वाला जर्नी, मार्वेलस मिसेस इंडिया पेजेंट का जर्नी, वॉज समथिंग दैट आई डिड फॉर माई सेल्फ टू गेन कॉन्फिडेंस, टू मेक श्योर दैट आई हैव इवॉल्व इनटू अ बेटर पर्सन. एंड आई हैव ऑल्सो वन द मिसेस ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड बिकॉज लाइक गरिमा सेड कि मैंने कभी हील्स नहीं पहनी है, मैंने कभी लाइफ में मेकअप नहीं किया है, कमिंग फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली, बाउंड्रीज खुद के लिए बनाई है. तो ऑल दैट बैरियर हैड टू बी ब्रोकन बाय मी बट बाय नोबडी एल्स. सो यस, माय जर्नी हैज बिकम बिगन वेरी ब्यूटिफुली एंड हैज स्टेड मार्वेलस सो फार. थैंक यू. जी, तो मेरी यही ख्वाहिश है कि हर सीज़न पहले सीज़न से बड़ा ऑन अ ग्रैंडर स्केल होता जाए. बिकॉज आई वॉन्ट टू, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आई वॉन्ट टू इम्पैक्ट मोर एंड मोर वेमेन. जो महिलाएं हैं तो अभी तक सबको पता नहीं है कि वी एग्जिस्ट, क्योंकि अभी छोटा है. लेकिन जैसे छोटा सा पौधा होता है, उसे हम दे रहे सब सनशाइन दे रहे, पानी दे रहे, तो उसको हम बड़ा करने की चाह है मेरी कि इतना बड़ा बन जाए कि सबको पता चले. एंड विमेन शुड कम टू अस क्योंकि उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं दैट इज़ आउटस्टैंडिंग. जैसे एक महिला थी जिसका ड्रीम था यही सीज़न में, उसको ऑथर बनना था. तो उसने, मैंने उसे यही चैलेंज किया कि मैंने बोला हम आपकी बुक पब्लिश करेंगे सीज़न 2 के प्लेटफॉर्म पर. तो हमने उसकी बुक रिलीज़ की है, देजा वो विद फूड जो नाम है उसका. तो वो उसको हमने वैसे एम्पावर किया है. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी इनसाइड, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल ब्यूटी पे भी उतना ही ध्यान देते हैं. जैसे इंटरनेशनल पैजेंट्स में ये लोग जाते हैं, दे गेट इनवाइटेड फॉर डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटी पैजेंट एज जज, दे गेट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऑफर्स. तो ये सब तो है ही, लेकिन ये जो दूसरा पहलू है इनके लाइफ का कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग, और उनके लिए ये तभी पॉसिबल है जब कोई सपोर्ट उनको मिले. ओके सो यही मेरी विश है कि सीज़न 3 जो है ये बहुत बड़ा बने एंड इट बिकम्स अ बिगर एंड बिगर सीज़न एवरी सिंगल टाइम. थैंक यू सो मच. या थैंक यू एवरीवन.